सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। पिछले लैक्चर के विच आपां ने दो टॉपिक करे सीगे जी, एक तो होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट, एक किया सी आपां ने नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट। तो हम नवा टॉपिक शुरू करना है, यह की हैगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे, दोनों केस होंगे ये होमोजेनियस होएगा या नॉन होमोजेनियस, ये दोनों वास्ते एक प्रॉपर मैथड है कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल होगी जिसे वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीए, यह है एक्स स्केयर आर माइनस वाई स्केयर टी इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई, जिमें यह बन गया एक्स स्केयर डी एक्स स्केयर वाई स्केयर डी वाई स्केयर जैड इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई। ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज डेरिवेटिव सेम ने, इस कुछ नहीं फर्क पैंदा चाहे होमोजेनियस हो चाहे नॉन होमोजेनियस हो, दोनों में एको मैथड बनेगा, मतलब चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे होमोजेनियस हो चाहे नॉन होमोजेनियस हो, एक कोएफिशिएंट वेरिएबल नेचर ये डी एक्स अगे एक्स स्केयर आ गया वेरिएबल आ गया, यह भी वेरिएबल आ गया। जे वेरिएबल कोएफिशिएंट होन उच करना की आपने वो काम करना है, आप टाइप न जे होमोजेनियस हैगी जे वेरिएबल कोएफिशिएंट्स ने इन्हों कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट के कन्वर्ट करना, कुछ पुटिंग करा पुटिंग करके आप वेरिएबल के कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट बनावे। जे ए बन गई मतलब जो आप इनू ए रिड्यूस करता होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या नॉन होमोजेनियस जी मर्जी बन जाए, जे कोएफिशिएंट जोड़े है कॉन्सटेंट बन जाए चाहे आह टाइप हो फिर आह टाइप हो, फिर जे इन रिड्यूस हो गई तो जो पिछे आप एक्सरसाइज काम किया उदा उन्हें सॉल्व कर लवेंगे। हम ये यही है कि यू आप कन्वर्ट किए, जो एक बार इन कन्वर्ट हो गया यह तो टाइप पिछे आप बहुत चंगी तरह पढ़िया ने उदा फिर आप सॉल्व कर लवेंगे। तो यू सॉल्व किमें करना ये वास्ते कंसैप्ट आप यूज करना है, लास्ट सेमेस्टर भी आप शायद थो ध्यान होगी अपने कोची थोड़ा दसना कोची डिफरेंशियल इक्वेशन, यह की सी अपने को जे ध्यान एक्स स्केयर डी स्केयर एक्स डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स, इदा ही होंगी सी मतलब जो कोएफिशिएंट से वेरिएबल ही होंगे सके, पर स्पेशल तरह की कोची डिफरेंशियल इक्वेशन सी कि जिनी डी की पावर होंगी सी उन्नी एक्स की पावर होंगी सी जी, एंड इदा नहीं है कि हरेक वेरिएबल डेरीवेटिव के नाल जोड़े मर्जी वेरिएबल कोएफिशिएंट हो अपने कोची डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। वेरिएबल कोएफिशिएंट तो है पर कोची डिफरेंशियल इक्वेशन के जोड़े वेरिएबल कोएफिशिएंट ने वो इदा हो डी स्केयर एक्स स्केयर पिया हो डी एक्स पिया हो, इदा नहीं है कि एक्स डी हो फिर एक्स स्केयर डी की पावर फोर होदा ना हो, ठीक है सेम आना हो जिनी डी की पावर है उन्नी एक्स की पावर हो, स्पैशल टाइप के आप वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, यही कंसैप्ट ये किवें सॉल्व की आपने मैं कुछ हिंट दस रहा उ आप यूज करा, ये आप पुट किया एक्स इज इक्व टू ई की पावर जैड लॉग लिया जैड आ गया लॉग एक्स जे ध्यान हो, आपने जो डी बाय डी एक्स का सिंबल आप डी लिया है तो डी बाय डी जैड का सिंबल आप थीटा लै लिया इक्वलन टू, फिर च किया की सीगा जिहड़ा एक्स डी सीगा इनू कन्वर्ट किया थीटा विच, जिहड़ा एक्स स्केयर डी स्केयर सी इनू कन्वर्ट किया थीटा थीटा माइनस वन, जिहड़ा एक्स क्यूब डी क्यूब सीगा इनू थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू, इदा आप कन्वर्ट किया जे ध्यान हो, यही सारा कंसैप्ट जिहड़ी आपने इस केस के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद विद वेरिएबल कोएफिशिएंट करनी है वह भी एरे वांग स्पैशल टाइप ही करना। स्पैशल टाइप किवें
जिनी डी एक्स की पावर होवे उन्नी एक्स की पावर नाल पई होवे, जिनी डी वाई की पावर होवे उन्नी वाई की पावर नाल पई होवे। यह स्पैशल वेरिएबल क्वेश्चन आ रही आपां इसे सॉल्व करनी है, जिवें एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब होवे, जिवें डी एक्स स्केयर डी वाई इज एक्स स्केयर वाई होवे नाल, जिनी डी एक्स की पावर उन्नी एक्स की पावर होवे, जिनी डी वाई की पावर उन्नी वाई की पावर, प्लस टू वाई स्केयर एक्स डी वाई स्केयर वाई दे डी वाई दी स्केयर वाई स्केयर डी एक्स एक्स। इदा दियाँ आपने स्पैशल टाइप दियाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट सॉल्व करनी है। कॉन्सेप्ट सारा पिछे ना लाइए, ये सब्सटीट्यूशन करके फिर जी आह वाला क्वेश्चन हैगा ये होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस विद कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो अपन पता किवें सॉल्व करना होगा। सो एक क्वेश्चन मैं आप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर समझ आ जाएगा क्वेश्चन किवें। तो देखो ध्यान, ये पहले लिख लिया अपना एक्स स्केयर डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डी वाई स्केयर, ये जैड आ गया एक्स स्केयर वाई। हम स्टार्टिंग ध्यान रखनी है, इस पुट करांगे आप एक्स नू ई दी पावर यू कर लो ते वाई नू ई दी पावर वी पुट कर लिया। जेड़ा डी यू है एक करली बाय करली एक्स नू मन्या हैगा, अते जेड़ा डी वी है यह करली बाय करली वी नू मन्या ए यू सॉरी मेरे वांग गई है। इहदे विचों देयरफोर जेड़ा एक्स डी एक्स की वैल्यू इक्विवेलेंट आएगी डी यू दे, जेड़ा एक्स स्केयर डी एक्स स्केयर हैगा वह इक्विवेलेंट आएगा, ये पहला वांगू है पहला भी आप ऐदी पाते सीगे। जेड़ा वाई डी वाई है ए इक्विवेलेंट आएगा डी वी दे, जेड़ा वाई स्केयर डी वाई स्केयर है इक्विवेलेंट आएगा डी वी माइनस वन दे। बस यही लोड नहीं होने वैल्यू सारे भर देवे, इस आप यू भी कट सकते हैं दिस इंप्लाइज कर लियो या देयरफोर यू आएगा लॉग एक्स अते वी आएगा अपने कोल लॉग वाई। बस आही चीज नवी है, ये बाकी काम सारा पुराना ही है जी। इहदा फायदा की होगा देखो, देयरफोर वन बिकम्स पहली इक्वेशन बन गई, ये आ गया डी यू माइनस वन माइनस डी वी माइनस वन, जेड इज इक्वल्स टू ई दी पावर यू दा स्केयर ई दी पावर वी। इन मल्टीप्लाई कर लो सारा, डी यू स्केयर माइनस डी यू माइनस डी वी स्केयर प्लस डी वी, जेड इज इक्वल्स टू ई दी पावर टू यू प्लस वी। हूँ ये बन गए कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट बन गए मोरले, इस पावर सेम नहीं हैगी, कहेंगे आप नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट। ये फिर आप जो सॉल्व करते आ रहे हो पुराना क्वेश्चन बन गया, जो पिछे सॉल्व करते हैं आप उम्मीद सॉल्व करना, ये फैक्टर बनावेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी ए प्लस बी, इन्हों चो माइनस कॉमन कर लो ये चो डी यू माइनस डी वी कॉमन आ गया, देयरफोर हम जेड सी कढ़ा गए आप फैक्टर बन के लीनियर फैक्टर की फॉर्म लावांगे। यह आ गया जी
जेड सी इज इक्व टू ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स की थान पर यू आ उरे फाई माइनस बीटा एक्स हों जी एक्स थान यू आ माइनस अल्फा वाई वाई थान वी है जी प्लस ई दी पावर माइनस माइनस वन अपॉन वन यू फाई बीटा यू माइनस अल्फा वी ए जेड सी है ई दी पावर जीरो वन हो गया ए फाई हूँ कोस्टन जोड़ा है वह एक्स वाई चा दोबारा यू वी की वैल्यू भर देनी आप यू मनिया से आप लॉग एक्स माइनस कॉमन काट लो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आ गया ई दी पावर यू ए भी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई ये प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते ये लॉग एक्स वाई बन गया ए फाई वन पा लो ए फाई टू पा लो ई दी पावर यू आप एक्स मनिया सी फाई टू लॉग एक्स अपॉन वाई और तक भी ठीक है वैसे आप अगर होर भी सॉल्व कर सकते हैं वह किमें जड़ा ध्यान चो जो बच्चे पढ़ते हो जिमें लॉग एक्स का मतलब की है कि सारे किते लॉग दियाँ पावर्स आ रही सारे किते लॉग इसका मतलब यह होंगे होंगे हूँ वेरीएबल तो एक्स ही है लॉग तो वैसे ही है तो इनू आप फंक्शन ऑफ एक्स भी तो कह सकते हैं वो तो गल ठीक है फंक्शन ऑफ लॉग एक्स का मतलब की हो गया अपने को सारे कितने लॉग एक्स आऊगा मतलब सारे कितने वेरीएबल तो एक्स ही आऊगा और ना लॉग भी आऊगा तो इनू वेरीएबल एक्स होने करके फंक्शन ऑफ एक्स भी तो कह सकते हैं ए फाई एन कोई होर फंक्शन मान लाँगे आप एक्स इनू आप सिंपल एफ वन फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये एफ टू फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई भी लिख सकते हैं जे लिख दो तो चंगी गल पहला आ गया देयरफोर जी आलसो हूँ जेड पी कढ़ना आपां ने पहला वांगू ही है जी वन अपॉन डी यू डी यू प्लस डी वी माइनस वन ई दी पावर टू यू प्लस ये टाइप करिए आप सैकेंड टाइप से जी इस करना की हैगा डी यू नू आप अल्फा भरना डी वी नू बीटा भरना है मतलब ये बन गया वन अपॉन टू माइनस वन टू ये आ गया टू प्लस वन माइनस वन ई दी पावर टू यू प्लस वी डी यू टू भरया डी वी वन भरया ये आ गया अपने कोल ई दी पावर टू यू प्लस वी अपॉन टू इन दोबारा एक्स वाई कन्वर्ट कर लो मतलब ई यू का स्केयर ई वी बाय टू ई यू की हैगा एक्स ए वाई बाय टू सारा उस तो बाद देयरफोर जेड हुंदा हैगा जेड सी प्लस जेड पी ए आजूगा एफ वन एक्स वाई एक्स एफ टू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स स्केयर वाई बाय टू ये अपना आंसर है मेन तो ये सबस्टिट्यूशन ने बाकी तो जो पिछे सॉल्व करना उन्हें सॉल्व कर रहे हैं आप तो थोड़े क्वेश्चन आप होर देखने आ दी जो नैक्सट क्वेश्चन देखियो जी ध्यान यह हैगा स्टेटमेंट एक्स स्केयर करली टू जेड बाय करली एक्स स्केयर प्लस टू एक्स वाई करली टू जेड बाय करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्केयर करली टू जेड बाय करली वाई स्केयर इज इक्व टू एक्स स्केयर वाई स्केयर की पावर तो ये क्वेश्चन तो करवा रहे जेड पी ध्यान ना कटना अपन तो देखो इस पुट किया पुट
एक्स इक्वल टू ई दी पावर जू वाई इज इक्वल टू ई दी पावर वी पुट किया तो देयरफोर लॉग एक्स आ गया यू तो वी आ गया लॉग वाई जी पिछे कर दिया है देयरफोर एक्स स्केयर डी या एक्स डी एक्स की वैल्यू आऊगी डी यू वाई डी वाई की वैल्यू आप डी वी इक्विवेलेंट ले ली एक्स स्केयर डी एक्स आऊगा डी यू माइनस वन अते वाई स्केयर डी वाई स्केयर आऊगा इक्विवेलेंट टू डी वी माइनस वन इसे वैल्यू भरती जी देयरफोर डी यू माइनस वन पहला मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखी देव फिर कर दें आप ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखी आलसो ए बन गया एक्स स्केयर डी एक्स स्केयर ए बन गया टू एक्स वाई डी एक्स डी वाई ए बन गया डी वाई स्केयर जैड इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एम बाय टू हुण इहदी वैल्यू भरती आपां ने यह आ गया डी यू माइनस वन प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू भरांगे आपां डी यू वाई डी वाई की वैल्यू भरांगे डी वी ए आ गया डी वी माइनस वन ए च वैल्यू भरांगे ई की पावर टू यू हो जाएगा ई की पावर टू वी एम बाय टू सो ये सॉल्व कर लेने सारा आप भी नॉन होमोजेनियस बन गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट ए आ गया डी यू स्केयर माइनस डी यू प्लस टू डी वी स्केयर माइनस डी वी जैड इज इक्वल टू ई दी पावर टू यू ई दी पावर टू वी एम बाय टू इनू कट्ठा कर लो ये होल स्केयर बन जाएगा डी यू प्लस डी वी का होल स्केयर इस माइनस कर लो डी यू प्लस डी वी जैड इज इक्वल टू ई दी पावर टू यू ये विचों डी यू प्लस डी वी कॉमन कर लिया डी यू प्लस डी वी माइनस वन ई दी पावर टू यू प्लस ई दी पावर टू वी दी पावर हूँ ये अपने को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट सॉल्व कर लवेंगे देयरफॉर जैड सी आऊगा ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा यू फाई वन बीटा यू माइनस अल्फा वी ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा यू फाई टू बीटा यू माइनस अल्फा वी ये बन गया अपने कोल जी फाई वन यू माइनस वी प्लस ई दी पावर यू फाई टू यू माइनस वी ये आ गया फाई वन जी पिछे किया लॉग एक्स अपॉन वाई बन जाएगा जी ये एक्स फाई टू लॉग एक्स अपॉन वाई बन गया इनू ए फाई वन इनू एफ वन एक्स अपॉन वाई लै लो इनू एफ टू एक्स अपॉन वाई लै लो ये अपने कोल जैड सी आ गया जी हुण इस तों बाद जैड पी है इहदे च मेन इंपोर्टेंट कि जैड पी किवें कढ़ना हैगा तो देखो जैड पी कढ़दे हां आपां नाओ जैड पी आ गया वन अपॉन डी यू प्लस डी यू प्लस डी वी माइनस वन ई दी पावर टू यू ई दी पावर टू वी दी पावर एम बाय टू इन्हें किवें सोल्व करांगे इहदे च आपां ने बायनोमियल थ्योरम लाउणी हैगी बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल थ्योरम की हुंदी हैगी आ वन प्लस एक्स की पावर माइनस जी पिछे लाते आ रहे हैं वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स क्यू सोन चली जाओ पर यह बायनोमियल लाने वास्ते
एक तो हो गया ये नाल दी बनी कितों सी ये नहीं यूज करनी अपन आ यूज करांगे ये हो गया वन प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ये ही आ टर्म बनाई सी अपन जे आप इन्हों माइनस वन भर देंगे तो आ ची बन जाऊ तो यह बायनोम लाने वास्ते कंडीशन की एक वन चाहिए तो वन इनू बना लो चाहे इनू जो मर्जी बना लो मैं इनू बना रहा वन जी तो ये आपने ई की पावर टू भी कॉमन कर लिया नाल पावर भी बाहर आऊगी जी ये आऊगा ये पहला पा रहा मैं वन बन गया इस तो बाद ये आ गया ई दी पावर टू यू अपॉन ई दी पावर टू वी दी पावर एम बाय टू बस स्टैप ध्यान रखने ने डी यू प्लस डी वी डी यू प्लस डी वी माइनस वन ये ई दी पावर बन गया एम वी वन प्लस ई दी पावर टू यू माइनस टू वी दी पावर एम बाय टू हूँ अगे बायनोमी थ्रू लावे आप इस बाद बायनोमी थ्रू आऊगी ई की पावर एम वी तो इदी आ गया वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ये आ गया अपने को ध्यान रखना है हम की कर रहे हैं आप इस तो बाद ये टर्म कली कली मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर वन अपॉन चाहे कर लेने आप टाइप यूज कर लेने जो मल्टीप्लाई कर लेने आप कला कला वन अपॉन डी यू प्लस डी वी डी यू प्लस डी वी माइनस वन ये आ गया ई दी पावर एम वी एम बाय टू ई दी पावर टू यू माइनस या प्लस एम माइनस टू वी ये गल समझ आ रही हो जे आप ऐड करा पावर ऐड हो उन्होंने दोनों चो मतलब कि टू यू माइनस वी प्लस एम वी बनेगा उस चो वी कॉमन कर ली आप इन एज इट इज रख लो एम बाय टू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल ई दी पावर टू यू माइनस प्लस एम माइनस टू वी ये सोन चली जाऊंगा हूँ देखो मैं कुछ स्टैप छड़ रहा जी उस स्टैप की ने वो देखो आ वैल्यू जी हैगी आप इनू कला कला मल्टीप्लाई करा ये इदा होगा ऑपरेट ये होगा ये होगा जे ए वाला कला ऑपरेट करिए टाइप सैकेंड आ टाइप सैकेंड की होंगे है डी यू तो है नहीं यू का कॉफिशेंट डी यू च भरना होंगे वी का कॉफिशेंट डी वी च भरना होंगे सो आ कंसिडर करा आप यू का जीरो हो गया वी नू आपां एम भरिया यू जीरो हो गया वी नू आपां एम भरिया ये ई दी पावर एम वी पहला आ गया सॉल्व हो गया दूजा ये तो कॉन्सटेंट आ तो इदी रहूगा एम बाय टू का कॉन्सटेंट ही है बट हूँ ये वैल्यू भरने डी यू च आप अल्फा भरना टू भरता डी वी भरा बीटा बीटा की है एम माइनस टू ए वी टू प्लस एम माइनस टू प्लस माइनस वन इनू ऑपरेट करांगे तो इदा सॉल्व होगा जी हूँ अगला देख लो ध्यान अगला ऑपरेट किया अपने ये एम बाय टू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल ये तो इदी आ गया ये सेम ही तो सेम टर्म ही है जिमें आह भर के आ बनया है उदियाँ आह बन जाएगा जी ये बनेगा टू प्लस एम माइनस टू
टू प्लस एम माइनस टू माइनस वन, इतने ई की पावर टू यू एम माइनस टू वी नहीं आ रही। उन्हें देखना सारा किमें होगा अगे। एक गल ध्यान रखनी आप ये मैं ता ही रब नहीं कर रहा, आह टर्म कितों बनी है, आह टर्म इतों बनी है सारी, यदि एक्सपेंशन करके आह टर्म बनी है, ध्यान रखना। जो मैं रब इत नीचे रब कर देना, मैं आह स्टैप रब कर देना जी। इस तो बाद मैं इधर पा रहा, आह स्टैप अलग है जी, आह स्टैप अलग, ये पाया, ये देखो ध्यान नाल, नीचे की बनता सारे च, एम इंटू एम माइनस वन, एम इंटू एम माइनस वन, एम इंटू एम माइनस वन, ये सारे चो कॉमन कर लो, वन अपॉन एम इंटू एम माइनस वन, तो अंदर की आ गया ई दी पावर एम वी पहला, अगे आ गया एम बाय टू ई दी पावर टू यू प्लस एम माइनस टू वी, अगे आ गया एम बाय टू, एम बाय टू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल ई दी पावर टू यू एम माइनस टू वी, ये चीज बन गई। हूँ ये मल्टीप्लाई करके आ चीज बनाई सी, आपां कॉमन काढ लो, वन अपॉन एम एम माइनस वन ई दी पावर एम वी कॉमन काढ लिया, ये आ गया वन प्लस एम बाय टू ई दी पावर टू यू माइनस टू वी एम बाय टू, एम बाय टू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल ई दी पावर टू यू माइनस टू वी, ये आ गया। हुण आह चीज़ सारी गौर ना देखो, ये आही है तो ये किहदे बराबर सी, इहदे बराबर सी तो अल्टीमेटली अखीर दे विच ये आ गया ई दी पावर टू यू ई दी पावर टू वी एम बाय टू, ये आ गया। उवें यह एक्स वाई कन्वर्ट कर लवो जी, ये आ गया वन अपॉन एम एम माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर एम, ये दोनों आ गई। फिर आप जैड पी भी निकल गया, जैड सी कढ़िया है पहला, फिर दोनों आप ऐड कर देवे, वो अपना जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन होर करवाना जी, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो क्वेश्चन है जी अपना, एक्स स्क्वायर आर, एक्स स्क्वायर आर प्लस टू एक्स वाई एस माइनस एक्स पी एक्स की पावर माइनस टू वाई, ये क्वेश्चन देखना अपने जी। सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट किया एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, सारा कंसैप्ट उही है जी, डी एक्स डी वाई माइनस एक्स डी एक्स जैड इक्वल एक्स की पावर माइनस टू वाई, सारा मैं सीधे शॉर्टकट मार रहा जी। ये एक्स हो गया चलो ई दी पावर यू, वाई हो गया ई दी पावर वी, उस तो बाद एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू, वाई डी वाई आ गया डी वी, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया डी यू माइनस वन,
वाई स्क्वायर डी वाई आ गया, डी वी माइनस वन, देयरफोर ये बन गया डी यू माइनस वन टू डी वी माइनस डी यू जेड इक्वल टू ई दी पावर माइनस टू यू प्लस बी, ये जोड़ा माइनस टू यू प्लस बी बन जाएगी। ये चो सारे चो डी यू कॉमन काढ़ लो, डी यू माइनस वन प्लस टू डी वी माइनस वन जेड इक्वल टू ई दी पावर माइनस टू यू प्लस बी, ये आ गया डी यू प्लस टू डी वी, बाकी का काम सारा अगे पुराना ही है जी। देयरफोर जेड सी आ गया ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा यू फाई बीटा एक्स बीटा यू माइनस गामा वी, ई दी पावर माइनस गामा ओवर अल्फा यू बीटा यू माइनस अल्फा वी, ए आ गया अपने कोल जी फाई वन लॉग एक्स, ए आ गया ए दी पावर टू यू फाई टू, ये सॉल्व कर लेने आप टू लॉग एक्स लॉग वाई, यू दी वैल्यू लॉग एक्स आएगी वी दी वैल्यू लॉग वाई आएगी जी, इन्हें सॉल्व कर लेने आप। ए आ गया एफ वन फंक्शन ऑफ एक्स, मान लो लॉग जिम्मे छड़ देंगे आप एक्स स्केयर बन जाएगा ई दी पावर यू का स्केयर बनेगा ना, ए एक्स स्केयर आएगा अगे फाइव टू लॉग एक्स स्केयर अपॉन वाई बन जाएगा, तो ये आ गया एफ वन एक्स एक्स स्केयर एफ टू एक्स स्केयर अपॉन वाई, पहला पावर अगे जाएगी फिर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लॉग एक्स अपॉन वाई होता है। इस तो बाद देयरफोर जेड पी आ गया वन अपॉन डी यू प्लस टू डी वी माइनस टू ई दी पावर माइनस टू यू प्लस बी, हूँ इस वैल्यू भर आगे जी आप डी यू थां भरांगे आप अल्फा माइनस टू प्लस वी थां भरांगे आप वन टू माइनस टू, ए आ गया वन अपॉन फोर ई दी पावर इन्हू लिख लो यू दी पावर माइनस टू ई दी पावर जो पिछे किया आप इनू अलग अलग कर लवेंगे जी आप यदि वैल्यू कि अपने को यू मनिया है जी अपने एक्स ए वाई ए जेड पी है जी, फिर जेड पी प्लस जेड सी आप ऐड कर देवे ये अपने को जनरल सॉल्यूशन आ जाए। चलो ठीक है जी, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक से इस चैप्टर का जी, अगे नैक्सट लैक्चर में नवा टॉपिक शुरू करा आप, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ रही हो। थैंक यू।